नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आइए डालते हैं नजर डबरा की ओर। धूमेश्वर प्राचीन मंदिर, जिस पर शिवरात्रि के मेले के लिए अभी से मंदिर की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि धूमेश्वर मंदिर पर अभी पुताई एवं साफ सफाई का काम जारी है और इस पर शिवरात्रि तक लगातार काम चलता रहेगा और शिवरात्रि को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है मंदिर के अलावा कई व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि भक्तगणों को तकलीफ ना हो और शिवरात्रि के दिन कांवरिया अपनी कांवरों को लाकर धूमेश्वर महादेव पर अपनी कांवर चढ़ाते और अपनी इच्छा का वरदान प्राप्त करते। यह भी बताया कि लगातार धूमेश्वर के मंदिर पर भक्तों की भीड़ भी देखने को मिलती है। धूमेश्वर प्राचीन मंदिर ग्राम पवाया से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और छीमक डबरा से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सभी आसपास क्षेत्र से श्रद्धालु कांवर भरने जाते हैं और सभी श्रद्धालु पदयात्रा कर कांवर को श्री धूमेश्वर महादेव मंदिर पर चढ़ाते हैं। धूमेश्वर मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं की शिवरात्रि के दिन अधिक भीड़ लगती है और यह भी बताया गया कि साधु महात्मा एवं श्री श्री 1008 अनुरोध महाराज जी ने बताया कि हम सभी साधु महात्मा शिवरात्रि तक ना ही अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही विश्राम करेंगे और हम सभी साधु महात्मा शिवरात्रि की पूर्ण तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं डबरा से छोटू बाथम की रिपोर्ट। चावल भाई साहब पाकिस्तानी के बाद तो देख चार टुकड़ा भाई चावल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।